जी ने रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर पंक्ति बताई है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा को करी तरक बढ़ावई साखा। अर्थात जो कुछ राम ने रच रखा है होना तो वही है, अब तर्क करके हम इसके विस्तार को क्यों बढ़ाएं। और यदि हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी जिंदगी को बहुत सरल और सहज बना लेते हैं। तो चलिए आज एक खूबसूरत कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये खूबसूरत कहानी है भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पे गए। द्वार पर गरुण को छोड़कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुण जी मंत्रमुग्ध हो गए थे। अचानक से उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पे पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुण जी के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले एक क्षण के लिए उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुण जी समझ गए कि इस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। अब गरुण जी को बड़ी दया आ गई, इतनी छोटी सुंदर चिड़िया को मरते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने उसे अपने पंजे में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। और जब यमराज जी बाहर आए तो गरुण जी ने पूछ ही लिया कि महाराज आपने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा। यमदेव बोले, गरुण जी जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं तो बस ये सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। अब गरुण जी को ये बात समझ में आ गई कि ये सब कुछ विधि ने खुद उनके हाथ से करवाया। उनकी नजर उस चिड़िया पे जाना, उसके प्रति द्रवित होना, यमराज जी को देखना, उस चिड़िया को उठाकर हजारों कोस दूर ले जाकर उस पत्थर पे छोड़ देना। अब गरुड़ जी को समझ में आया कि विधि का विधान पूरा करने के लिए वो खुद ही उसके निमित्त बन गए। जिस चिड़िया को वो मरने से बचाना चाहते थे वो चिड़िया खुद उनके ही द्वारा मारी गई। आज उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य जाना कि जो मृत्यु होती है इसे कोई भी नहीं टाल सकता है, चाहे मनुष्य कितनी भी चतुराई कर ले। इसलिए भगवान कहते हैं कि करता तू वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। तो कर तू वो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। जीवन के 6 सत्य हमेशा याद रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर ही लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को खुद नहीं लेके जा सकते हैं। आप कितने भी लंबे क्यों ना हो मगर आने वाले कल को आप खुद नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की ही जरूरत पड़ती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं हंसेंगे तो सभ्य नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ेगा। इसलिए संभल के चलिए, जिंदगी का सफर छोटा है, हंसते हंसते काटिए और प्रभु का नाम लेते हुए काटिए।